ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿੰਡੀ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 92.97 ਇਹ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਉਪਰ ਆਪਕੋ ਦਿਖ ਰਹਾ ਹੈ ਜਬਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਇੱਕ ਮੈਡਲ ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਪੰਜ ਮੈਡਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 24 ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਨਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰ ਭਰੀਆਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਜੋ ਜੈਵਲਨ ਥਰੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਦੀਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਈ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ 30 골ਡ ਮੈਡਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ 27 ਕਿ 28 ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 올림픽ਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਓ ਯਾਦ

भाई साहब 100 दी दी है। है दी दी दन, मीटर दी एक दौड़ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਡੀ ਫੇਜ਼ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 92.97 ਇਹ वर्ल्ड रिकॉर्ड ਹੈ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ्रो ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਦੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੈਲ ਡਨ ਗੁੱਡ ਬாய் ਨਾਸਰ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜیتے ਹੈ इन्होंने 92.97 ਮੀਟਰ ਕੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਭਾਲਾ ફેਕਾ ਇੱਕ بار ਸੋਚ ਕਰ ਦੇਖੋ ओलंपिक्स में ना सौ मीटर की एक आ, रेस भी होती है नहीं क्या क्या डैम आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दूर ये लोग जावलिन थ्रो कर रहे थे नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जावलिन मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है एक गोल्ड मेडल और अच्छा। ये जो जीत है ना इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है आप देखोगे आज के समय हालांकि पीएम मोदी कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में मेडल टैली में आप अगर देखोगे अभी आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है जबकि पाकिस्तान का एक मेडल इंडिया इंडिया के 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 पांच मेडल मेडल हैं जी हाँ, हमारी जो जो हॉकी टीम है 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 उन्होंने भी एक मेडल जीता है भारत के लिए तो सबसे पहले टैली मैं आपको दिखाता कि पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं ना एंड चाइनाइटेड स्टेटी सेवन कह सी ऑस्ट्रेलिया अठारह फ्रांस

तो अगर हम बात करें गोल्ड पर मिलियन की तो ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पर मेडल आता है आबादी के हिसाब से वन पॉइंट फोर फोर मिलियन का यूएसए का बारह मिलियन का चाइना का फिफ्टी सिक्स मिलियन का और अनफॉर्चुनेटली इंडिया अगर यहाँ पे होता तो यही होता वन पॉइंट थ्री फोर बिलियन और जीरो गोल्ड क्योंकि अगर हम मेडल टेरी में देखें तो हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफ़ी नीचे स्क्रोल करना पड़ेगा इंडिया की रैंक अब हो चुकी है सिक्सटी फोर हम टॉप फिफ्टी में भी नहीं है हालांकि पांच मेडल हमारे पास आ चुके हैं चार ब्रॉन्ज है एक सिल्वर है एक सिल्वर और मेडल्स क्या आएंगे? आए आए आएंगे? देखिए एक रिले रेस है उसमें देखना होगा कि कुछ हम जीत पाते हैं नहीं जीत पाते मुझे जेनुअनली यहाँ पर बुरा लग रहा है विनेश फोगट के लिए अगर वो गोल्ड मेडल ले आती और इंडिया का का हो गया ना। इंडिया सीधा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टॉप फिफ्टी में आपको दिखता बल्गेरिया ऑस्ट्रिया के आसपास वो हमारे साथ बहुत जरा आप कह लीजिए लक हो गया पाकिस्तान आप देखोगे इंडिया के ऊपर आपको hmm. सिंपल है गोल्ड मेडल की वैल्यू सबसे ज्यादा मानी जाती है मान लीजिए स्पीकिंग हम लोग पचास सिल्वर भी ले आते हैं ना और पचास ब्रॉन्ज भी ले आते हैं और पाकिस्तान का एक गोल्ड भी होता या किसी और कंट्री का भी एक गोल्ड भी होता तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता नहीं तो आप यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के भी मेडल, हमारे बहुत सारे मेडल है बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक फोर में खत्म हुए हैं काफी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे मेडल लाने के आप यही कह लीजिए मैं क्या कहूँ इस बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं जितना पैसा खर्चा था जो उम्मीदें थी अब जो भारत बन चुका है जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं क्रिकेट में भी अब हम यहां पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं उम्मीदें तो थी कि यहां पे एटलीस्ट कुछ दो तीन गोल्ड कुछ तो आता है यहां पर एक भी गोल्ड ना आ पाना इट इज डेफिनेटली डिस अपॉइंटिंग अब यहां पर ठीक है गोल्ड मेडल नहीं आ पाया मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो हाँ काफी बार हो चुका है मगर यह बहुत टाइम पहले हुआ था चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में जब 1960 में सिक्सटी में हुए थे ओलंपिक्स इंडिया का एक मेडल आया था पाकिस्तान के आए थे दो मेडल पाकिस्तान आगे निकल गया फिर 1967 सिक्सटी सेवन में ऐसा हुआ था लॉस एंजल्स यूएस में हुआ था कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला बिल्कुल शून्य मेडल थे मगर आखिरी बार ना यह सब हुआ था 1992 में 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं बत्तीस साल तो बत्तीस सालों बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है जो अभी के लिए समीकरण है अगेन मैं यहां पे एक बार ऐड कर दूं अगस्त 11 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे एक कहीं से कुछ मिराक्ल हो जाता है गोल्ड मेडल कहीं से आ जाता है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता बट एज ऑफ नाउ जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा दो हजार चौबीस ओलंपिक जहां पे इंडिया के पांच मेडल होंगे मगर पाकिस्तान का एक होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश आ, करेगा आगे हो गया, और ये सब नंबर देखकर दुख ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इससे पहले जब 1992 में आप जाओ आपको खुद बताया 1992 टू में भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी हम सबको पता है गोल्ड भारत के भारम को रखना पड़ा था आईएमएफ से हेल्प लेनी पड़ी थी उस वक्त क्या हमने स्पोर्ट्स पे खर्चा होगा क्या कंटीजेंट होगा हमारा आप खुद ही समझ सकते हैं तब से लेकर अब तक आज के समय इकोनॉमिक मसल हमारी ठीक ठाक है सरकार टैक्स भी खूब सारा वसूल रही है और सरकार ने 470 करोड़ से ऊपर सोलह स्पोर्ट्स में खर्चे हैं कि यहाँ पे सोलह जो ये स्पोर्ट्स हैं पर्टिकुलरली एथलेटिक्स शूटिंग एक्सेट्रा वेरियस स्पोर्ट्स हैं यहाँ से इंडिया गोल्ड लेकर आएगा कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस होगी बट स्टिल डिसअपॉइंटिंग है मैं यहाँ पर यही कहूँगा हालाँकि जो हमारे एथलीट्स हैं वो कह रहे हैं आप हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट करिए परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी और मुझे यहाँ पर बो बोला भाई, देखो अब दो दिन तो रह गए कहेंगे कि चाइना जैसा परफॉर्म कर रहा है हम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते चाइना की देखिए परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये है उनका जो स्कूल सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर वो बहुत अच्छा है वेल फंडेड है चाइना के स्कूल्स काफी हद तक मैं कहूंगा स्टैंडर्ड में इंडियन स्कूल से बेहतर है वहां पे एथलीट्स को वो लोग पिक कर लेते हैं चाइना में सिस्टम यह है कि बहुत ही अर्ली एज से ही जो प्रोटेजी होता है जिस एथलीट में पोटेंशियल होता है मेडल लाने का अर्ली एज से ही उसको स्कूल लेवल से ही चुन लिया जाता है एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में वो फिर एनरोल हो जाता है और गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करती है और उसको एक गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जाता है बहुत रेयरली होता है कि चाइना में कोई कहीं रैंडमली कोई आदमी 16-17 साल की उम्र में उठता है और कहता है कि आई थिंक आर्चरी में मैं काफ़ी अच्छा हूँ खुद प्रैक्टिस करता है और मेडल ले आता है दिस इज़ रैदर रेयर गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है चाइना की मेडल टैली में तो इंडिया में देखिए अभी तक मैं ये कहूँगा लोग गलत नहीं बोलते हमारे यहाँ दसियों सालों से लोग इस बात को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर नहीं है हमारे hmm. यहाँ स्कूल में जाया जाता है मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ अच्छे स्कूल में जाओ फ्यूचर सिक्योर करो स्पोर्ट्स में पता नहीं कुछ हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे फिर एथलीट्स लोअर लेवल पर कितनी बार करप्शन फेस करते होंगे कितनी बार उनको मौका नहीं मिलता होगा वो बातें तो खैर काफी बार हम जान ही नहीं पाएंगे तो हमें देखो फंडामेंटली बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है अभी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अगैन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिचुएशन को इम्प्रूव कर नहीं सकते ये जो पैरिस ओलम्पिक्स हुए हैं इंडिया के लिए एक लेसन होना चाहिए कि मेडल लाने का सिंपल ये तरीका नहीं है कि 450 करोड़ रुपए या 470 करोड़ रुपए आपने बस इन्वेस्ट कर दिए और ये कन्वर्ट हो जाएंगे मेडल में आप पैसा किस तरीके से खर्च रहे हो इसमें भी आपको बहुत जरा सोच समझ के एक्शन लेना होगा अब एक बार को यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण के फादर फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं कई ओलंपिक एथलीट्स को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं इन्होंने हाल ही में ये कहा था कि इंडियन एथलीट्स उतना दम नहीं लगा रहे उतना एफर्ट नहीं डाल रहे

तो होपफुली वी विल परफॉर्म बेटर इन यूएस और फाइनली यहां पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा क्वेश्चन यहां पर ये है कि इंडियन आर्मी ने हाल ही में कौन सी एक्सरसाइज कंडक्ट सो गाइस ऐसी आती है एक वीडियो आ, देखो ए कुछ रीजंस जेड़े इन्होंने ਦਿੱਤੇ ਹੈ वो वाकई वैलिड पॉइंट है कि चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 470 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਨਾਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਵੀ ਉਧਰ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਧਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੇਡੀਏ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀਏ ਅਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਡੀਏ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਏ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੇਡ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਘਰ ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੇਮ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਗੇਮ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਨਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਦੌਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੇਮਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਾਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾ ਹੋਰ ਅਚਾਹ ক্রিকেট ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਧਰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੂਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਸ 올림픽ਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ 92.97 ਆਲਮੋਸਟ 93 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ऐसे ये वीडियो थोड़ा कि मन है दे बारे में ਥਲੇ कमेंट करके जरूर दसो एंड जहां तो पहला मेक श्योर यू हेड दैट सब्सक्राइब आई लव दिस चैनल को सबकब कर शेयर जरूर करना ना भूल